और एक हम हैं कि वो फ्लो में ही वॉइस ओवर कर देते हैं, वरना तो स्क्रिप्टेड सारा वॉइस ओवर व्लॉगर जो होते हैं स्क्रिप्टेड ही बोलते हैं, बट हमारा जो है ना टैलेंट अलग किस्म का ही है, तो हम मन फ्लो में ही बोल देते हैं और जो दिल में आता है ना वो बोल देते हैं। दरअसल मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं एक सच्ची और खड़ी पर्सन हूँ जो कि स्क्रिप्टेड नहीं, ऐवें बस बोले जाती है फ्लो के साथ और बस जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। भाई सच्चे इंसान का जो है होता है ना वो यही होता है, भाई सच्चे इंसान, भाई सच्चा इंसान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी यहाँ आपकी मैडम बहन बहुत आराम से बैठी हुई थी कि ये जगह तो है बड़ी परफेक्ट है, यहाँ पर ही तो मेरे सारे अबाये नजर आने हैं, यहाँ पर ही तो मेरा परफेक्ट एंगल आना है, यहाँ बैठने से ही तो मैंने वायरल हो जाना है। और मुझे समझ लगी कि ये परफेक्ट नहीं है और हमने अपनी जगह चेंज की। हमारे घर में दरअसल मेहमान आए हुए हैं तो जगह ढूंढना एक टास्क से घट नहीं था, तो हमने यहाँ अपनी महफिल जमा कर आप लोगों के साथ कैमरा फिक्स करके बैठ के हुए हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि भाई ने जो है बाहर से सऊदीया से अबाये भेजे हैं हमारे लिए, एक्चुअली मेरी कज़न के भाई ने भेजे हैं जो कि इनडायरेक्टली मेरे भी भाई हुए हैं, कज़न ब्रदर, मुँह बोले ब्रदर, कज़न ब्रदर जो भी कहते हैं। तो भाई ने हमारे लिए अबाये भेजे हैं और मुझे ना उसे कंफर्ट जोन में होकर मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो अब जो है मैंने अगेन फिक्स किया कैमरा, फिर मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ दैट इट्स सो फ्लेयरफुल अबायाज। तो ये पहला अबाया है जो कि मेरी कज़न का है, ये वाला अबाया मेरी कज़न का, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको सारे अबाये दिखा रही हूँ और अपना भी दिखाऊँगी। ये वाला कज़न का था और आपकी बाजी अभी भी कैमरे एंगल से फिक्स नहीं हो पा रही, उसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ जाना है, इतनी परफेक्शन लेकर इतनी सेटिस्फेक्शन लेकर मैंने पता नहीं कहाँ जाना है। अच्छा जी दोबारा अपने फ्लो को पकड़ते हैं और आपको बताते हैं कि दोबारा नंबर अबाया नंबर ये दूसरा है जो कि ये मेरी सिस्टर का अबाया है और पता नहीं मुझ में कौन सी देवदास वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, अचानक से आहिस्ता अचानक से तेज़ हो जाती हूँ बोलने में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा खैर इग्नोर करते हैं, ये मेरी सिस्टर का दूसरा अबाया है जो कि ब्राउन कलर में है और ये बहुत मज़े का अबाया लगता है, ये कलर इसका बहुत अच्छा है। आई डोंट नो वीडियो में इतना ख़ास आपको लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, बट इट्स सो नाइस कलर। इसकी बेल्ट थी और इसकी बेल्ट बहुत अच्छी थी और साथ में इसका एक फ्लावर साइड पर लगा हुआ था। और अपनी सोई हुई वॉइस ओवर को जगाते हैं और आपको ज़रा एंटरटेनिंग व्लॉग बनाने की खुद से कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश लेकिन कोशिश। अच्छा ये मेरा बाया आ चुका है, फाइनली मेरा बाया आ चुका है और ये ना पर्पल कलर का है। BTS की फ़ैन नहीं हूँ मैं इतनी ख़ास, लेकिन ये पर्पल कलर का बाया है और ये बहुत अच्छा था। और द थिंग इज़ कि हाँ मैं बताती हूँ क्या थिंग इज़, ये इसकी बाजू थोड़ी सी डिफरेंट है और ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है, इसकी आगे प्लेट्स टाइप सी बनी हुई है और ये जिप है इसकी आगे और ऑफ कोर्स इसकी फ्लेयर सेम है पिछले दो अबायास की तरह ही। और द थिंग इज़ मैं आपको बताने वाली थी कि ये सारे जो अबाये हैं ना, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरा खुद का है और मैंने खुद ये पसंद किया था। आप सोच रहे हैं कि मैंने कैसे पसंद कर लिया, ये तो सऊदीया से आया है, तो भाई ने वीडियो कॉल की थी तो हम सब ने अबाये जो है वो पसंद कर लिए थे कि अच्छा मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला आप ही ने सजेस्ट किया यानी इनको कहा और उन्होंने ले लिया, और ये वाला कज़न ने पसंद किया और जो तीसरे वाला है वो मैंने पसंद कर लिया। तो इस तरह से हम तीनों ने अपने पसंद के अबाये लिए सऊदीया से, लेकिन भाई ने हमें गिफ्ट भेजे तो ये बहुत ख़ास अबाये हैं हमारे लिए क्योंकि ये सऊदीया से आए हैं और ये अबाये हैं तो ये बड़े ख़ास हैं हमारे लिए। और द थिंग इज़ मैं क्या कहूँ, तकलीफ कलाम बन गया मेरा। अच्छा तो बात ये है कि ये मेरा पहला अबाया है जो कि मैंने पहनना है, कभी जब भी मैं पहनूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन मैं बताने वाली हूँ, बता रही थी कि ये मेरा पहला अबाया है जो कि मैंने ख़रीदा है या जो कि मुझे भाई ने गिफ्ट किया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस और बस इतना ही था। रुको जरा सबर करो, मैंने आपको अपने तीनों अबाये दिखाए और अब मैं आपको तीनों इकट्ठे दिखा रही हूँ कि फिर आप भूल ना गए हो ना कि क्या कौन कौन से अबाये थे, कलर क्या था, किस तरह दिखते थे। तो आप ये लास्ट पर देख लें कि किस तरह दिखते हैं। तो क्या हुआ मैंने दिखाया नहीं, पता नहीं मुझे दौड़े पड़ते हैं, वीडियो में मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे वॉइस ओवर में पता चलता है कि मैंने करतूत क्या किए हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि इकट्ठे करके मैं आपको दिखा रही हूँ एक्चुअली।
तो ये हैं अबाय और इनके कलर बहुत मज़े के थे और ब्लैक भी थे, लेकिन हमें जो है वो ये कलर्स पसंद आए थे बिकॉज़ आई एम यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट बच्चा, तो मुझे पता है कि कौन से कलर इन हैं, तो मैंने इनको बताया था, तो उनको भी ये कलर अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी यही ख़रीदेंगे। तो ये आजकल काफ़ी इन है, लड़कियों ने मोस्टली इस तरह के ही कलर अब पहने होते हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़े डिफरेंट हिट कर रहे होते हैं और बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। लड़कियाँ आजकल भी यूनिवर्सिटी में पहनती हैं अबायाज। और हाँ बिल्कुल, यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म हो ही जाती है। ये हमने छोटी मोटी सी डेकोरेशन की थी और अब मेरी गॉसिप सुनिए कज़न के साथ जो कि आई हुई थी। किस माहौल में बना रही होती हूँ आपकी सोच है। जब मेरी कज़न आई होती है तब यही सीन हो रहे होते हैं मेरे साथ। अचानक याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, रात को मुझे दौरे पड़ते हैं, फिर मुझे याद आ जाता है ओह मैंने तो खाना नहीं खाया हुआ। 12 बज रहे हैं और मुझे याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ। सो आई एम ईटिंग दिस राइट नाउ। जब याद आ गया तो टीचर कहती थी ना, खाना खाना तो याद रहता है, काम करना याद नहीं रहता। तो काम करना भी याद नहीं रहता, वो कभी कभी याद रहता है, पर खाना खाना जो है ना भूल जाया करता है। द नेक्स्ट डे, तो यहाँ फुल ऑन नाश्ता जारी और सारी है, और ये था आलू वाले नान और मज़े से साथ थी दही, और ये बहुत मज़े का लग रहा था। मैं काफ़ी अरसे बाद आलू वाला नान खा रही थी इन नाश्ता, और मुझे पता नहीं क्या लग रहा है और आपको क्या लग रहा है, आपने मुझे ये बताना है कि क्या मेरी आवाज़ आपको उदास लग रही है। कमेंट सेक्शन में येस और नो लिख देना है, ठीक है। और ये हम सायों की तरफ से आया था मिठाई थी जिसमें गुलाब जामुन थे, चमचम थी और रसगुल्ले थे, तो बाकी सब ने तो खा लिए, बट मेरी जायदाद में से जो हिस्सा था ना वो बचा हुआ था, तो मैंने खा लिया दोबारा नहीं फिर। तो ये कुछ डेकोरेशन थी जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई है, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बर्थडे हमने ऐसे ही मना ली थी, ऐसे ही एक्स्ट्रा तौर पर। जब भी कोई मेहमान आता है तो हम लोग इस तरह के इवेंट प्लान कर लेते हैं, छोटा सा घर में कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ऐसे ही हमने केक मंगवाया, उसको कट कर लिया और इस तरह से छोटी सी छोटे से मोमेंट बनो हैप्पी बना। कौन सा डियर आपने ना बिस्किट को ना इसमें डबो खाया इसमें? हाँ ये चाय थोड़ी ना है, खाओ। चलो ठीक है, हम तुम्हारा डियर एक्सेप्ट करते हैं, रखो इधर। मजे का था ये डेयर, मजे का था ये डेयर है ना। ये तो सिर्फ हम यूट्यूब के लिए कर रहे थे, जस्ट फॉर द यूट्यूब कर ली। तो ये वो छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं जिनको आप लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए। हालांकि किसी की बर्थडे नहीं थी, बट वी अरेंज्ड इट एंड मेक अ मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। बना लेते होते हैं हम मोमेंट, अगर ना भी बन रहे हो तो बना लेते होते हैं मोमेंट। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द प्रेस बेल आइकन एंड लाइक फॉरगेट टू।